हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शीला फॉर्म के बारे में। ये कंपनी में मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है और इसका सबसे पहले अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको ये चीज़ पहले पता चल गई है, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में, इसके फंडामेंटल और इसके बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका वेबसाइट हमने ओपन किया है और यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये शीला फॉर्म का प्रोडक्ट कौन सा है, ब्रांड कौन सा है। तो स्लीपवेल, जो जिनकी ऐड आपने कभी टीवी पर देखी होगी, तो स्लीपवेल मैट्रेस है होंगे और ये बाकी सारी चीज़ें जो है तो ये कंपनी बनाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी पुरानी है, यहाँ पर देख सकते हो 50 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है ये कंपनी को, ठीक है। और ये इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये 3 कॉन्टिनेंट के अंदर ये कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है। और यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट की रेंज क्या है, मैट्रेस है, परफेक्ट मैच है, टेक्नोलॉजी रेंज है, ये बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। कंफर्ट एसेसरीज, पिलो मिलेगा, मैट्रेस और ये सारी चीज़ें, या फर्नीचर कुशियंस, ये सारी चीज़ें आपको स्लीपवेल ये प्रोडक्ट के अंदर, शीला फॉर्म का जो ब्रांड है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंपनी बनाती है, ये कंपनी का मेन बिजनेस है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी इसके, ठीक है। और यहाँ पर इसके फंडामेंटल की बात करेंगे तो फंडामेंटली कंपनी कैसी है, तो ये मैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो देखो भाव यहाँ पर देख लो, कंपनी का शेयर का भाव, ठीक है, और ये 1156 का भाव है फिलहाल। और मार्केट कैपिटल इसकी 12500 करोड़ की कंपनी है। 906 का इसका लो है, 1432 का इसका हाई रह चुका है। डिविडेंड नहीं देती है, 62 रुपये का पी आर है इसका, और बुक वैल्यू इसका कम है प्राइस, करंट प्राइस से। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, ठीक है, 10% से भी ज़्यादा है, 13.5% का आरओसी है और 12.5% का आरओई है, और 5 का इसका फेस वैल्यू है। तो ओवरऑल ये चीज़ें ओवरव्यू में अच्छी नज़र आ रही है। और एक साल में देखेंगे तो ये स्टॉक देखो काफ़ी गिरा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर से अभी ये गिरावट में मिल रहा है, ठीक है। तो एक टाइम पे इसका भाव ये यहाँ पर देख सकते हो, ये 1300 रुपये से ज़्यादा था, अभी ये 1100 रुपये में मिल रहा है। और 3 साल में देखेंगे तो 3 साल में देखो 2020 से 765 का ये स्टॉक था, 765 से इसने 1900 रुपये के ऊपर गया था ये। यहाँ पर देखेंगे तो 1938 का यहाँ पर भाव दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ से काफ़ी बढ़ गया था, यानी 3 गुना बन के यहाँ पर ये थोड़ा करेक्शन आ गया है ये स्टॉक के अंदर। और 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में भी ये स्टॉक यहाँ पर देखेंगे 550 रुपये या 650 रुपये का भी भाव पे ये मिल रहा था। वहाँ से इन्वेस्टर का पैसा 3-4 गुना आराम से हो गया पैसा, उसके बाद ये थोड़ा गिरावट दिखाया। 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल ये कंपनी को हुआ नहीं है मार्केट में आके, यहाँ पर देख सकते हो 2016 बता रहा है, 2016 से ये कंपनी यहाँ पर लिस्टेड है और वहाँ तब से यहाँ पर 479 पे ये कंपनी का प्राइस लिस्ट हुआ था। उसके बाद ये शेयर थोड़ा देखो काफ़ी अच्छा बढ़ा, फिर यहाँ से करेक्शन थोड़ा आ गया है, प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर मैक्स में भी आपको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये कंपनी को ज़्यादा साल हुआ नहीं है। और अगर हम नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो इसमें इसका डिविडेंड नहीं देती है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, कम हुई है, ये एक नेगेटिव है। और इसका पुअर सेल्स ग्रोथ यहाँ पर एक ये चीज़ थोड़ी नेगेटिव है, ठीक है। और बाकी इसमें देखेंगे तो ये मिसलेनियस इंडस्ट्रीज में आ रही है, जिसके अंदर ये कंपैरिजन सारी मिसलेनियस कंपनीज के साथ है, जो जिनके बिजनेस कम्प्लीटली अलग अलग डिफरेंट है। तो ये शीला फॉर्म को उसके अंदर कंपेयर किया गया है। और प्रॉपर यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे 2020 से, ठीक है, 2020 से सेल्स देखेंगे 2023 तक तो 608 करोड़ से यहाँ पर 613 करोड़ है। तो क्वार्टरली कोई यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा देखने नहीं मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 881 करोड़ का सेल कंपनी ने किया था, ठीक है, वो भी दिसंबर में। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 70 करोड़ से यहाँ पर 44 करोड़, यानी प्रॉफिट में भी गिरावट देखने मिली है, इस वजह से भी शेयर्स गिरते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट किया है, वो भी 2020 में, दिसंबर 2020 में, ठीक है। और अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे 2012 से लेके अभी तक, तो 2012 में 987 करोड़ से लेके कंपनी का यहाँ पर सेल्स हुआ है 2873, यानी 2800 करोड़ के ऊपर या 2900 करोड़ के आसपास का कंपनी ने सेल
पहुंचाया है, इतना तक ग्रोथ हुआ है, तो सेल्स ग्रोथ अच्छा है यहाँ पर नजर आ रहा है अगर ईयरली देखा जाए तो। और 8 करोड़ का प्रॉफिट से 203 करोड़ तक का प्रॉफिट अभी कंपनी कर रही है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा यहाँ पर 240 करोड़ का 2021 में ऑलरेडी कर चुकी है। और अगर हम देखेंगे इसके CAGR तो 10 साल के यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 10 साल कंपनी को हुए नहीं मार्केट में आके, लेकिन 5 साल से 10% सालाना रिटर्न है और 3 साल से 19% सालाना रिटर्न है। तो यानी कंपनी थोड़ा बहुत इन्वेस्टर को प्रॉफिट ही दे रही है, लेकिन यहाँ पर 1 साल में थोड़ी गिरावट है। 1 साल में ही अभी गिरावट के भाव पे मिल रहा, तो इसलिए मैंने इसमें एंट्री कर ली है। और बैलेंस शीट देखेंगे तो देखो, बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये कंपनी का रिजर्व काफ़ी अच्छा है, 2800 करोड़ है, और 573 का लोन है, 573 करोड़ का लोन है। तो लोन कम है, रिजर्व से ज़्यादा है, रिजर्व ज़्यादा है, तो ये चीज़ अच्छी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो, शेयर होल्डिंग में यहाँ पर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अभी थोड़ी डिक्रीज हुई है, कम की है। अगर प्रमोटर कम नहीं करेंगे तो मार्केट में शेयर्स कहाँ से आएंगे, तो शेयर्स मार्केट में भी उतारने पड़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 6% देखो, उसमें फिर फॉरेन के इन्वेस्टर ने खरीदा, 25% तक तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने, तो बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास यहाँ पर इसके शेयर सबसे ज़्यादा है प्रमोटर के बाद, ठीक है। और पब्लिक के पास काफ़ी कम है, पब्लिक यहाँ पर ऐसे शेयर्स में मोस्ट ऑफ अवॉइड करती है। जो बड़े स्टॉक होते हैं, जरा महंगे स्टॉक होते हैं और पेनी स्टॉक होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास होते हैं, ठीक है। तो अच्छे स्टॉक यहाँ पर बड़े बड़े लोग लेके के बैठते हैं, ठीक है। तो इसको, ये स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया है और मुझे ये काफ़ी लॉन्ग इसमें जाना है। देखेंगे इसमें जो भी अपडेट आएगा, जो भी फंडामेंटल में जो भी चीज़ें होगी वो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, अगर आप ये चैनल से जुड़ते हो। और टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट आते रहता है, और अगर बाय सेल जो भी कर रहा हो उसके बारे में सबसे पहले वहाँ पर बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पर उसके वीडियो बना के जिस जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं बना के आपको आपके लिए बना देता हूँ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।